आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नेहा रावत, बुराड़ी पब्लिक स्कूल अवेंचर विद यूनिक की अध्यापिका हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी तक उससे संबंधित कुछ बातें पहुंचाने का प्रयास किया। देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। भारत के इतिहास में यह दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस दिन को पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्र त्योहार की अपनी अलग खासियत है, जिसके चलते लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। दरअसल हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को मिली आजादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया गया। 26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? यह सवाल लगभग हर भारतीय के मन में आता होगा। संविधान लागू करने के लिए तारीख को चुनने का भी एक खास मकसद था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया था। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया और तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं और पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं।